चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पॉइंट ए इज माइनस थ्री एंड टू, पॉइंट बी इज कोऑर्डिनेट इज फोर एंड फाइव, राइट। इसे हमें क्या करना है, इसका हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। यहाँ पे सपोज करेंगे दिस वन विल बी एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू। सो वी कैन राइट हियर, here your x1 is minus 3 and the y1 is 2, right? x2 ho gaya 4 and y2 is 5. So we have to find out the distance. So you write here by distance formula. Kya likhenge yahan pe? By distance formula, right? What is distance formula? AB. Yahan pe dekhiye distance AB find out karna hai. So AB equals to ho jayega x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. चलिए इसकी वैल्यूज को रखते हैं। व्हाट इज एक्स टू? एक्स टू देखिए 4 है, 4 माइनस एक्स वन माइनस थ्री, राइट, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाई टू इज योर 5 माइनस वाई वन है आपका 2, 5 माइनस 2 दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 प्लस 3 दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर और यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, राइट, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 और ये 58 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, देखते हैं पेयर मिलता है क्या, 2 2 4 2 9 18 29 नहीं मिलेगा, सो इट रिमेन लाइक दिस। सो यू कैन राइट हियर AB इक्वल्स टू रूट 58 यूनिट्स। क्या लिखेंगे? 58 यूनिट्स। ये हो गया आपका डिस्टेंस AB। चलिए इसको अगर मार्किंग करना होगा, आपको मार्क देना रहेगा, कैसे देंगे? ये फॉर्मूले के ऊपर हाफ मार्क्स दे सकते हैं, इसकी वैल्यू जो यहाँ पे रखेंगे हाफ मार्क्स देंगे, ठीक है, और ये लास्ट का स्क्वायर जब निकालेंगे यहाँ पे तब उसका हाफ मार्क्स दीजिए और फाइनल आंसर पे हाफ मार्क्स। So this way you can give 2 marks. Okay. Now we'll see the question number second. चलिए question number second में क्या बोला है? Find the centroid of triangle ABC whose vertices are given ABC. तो यहाँ पे second में हमें find out करना है minus 6, 3, A हो गया, B हो गया आपका 5, 4 और C है minus 4 and 5. तो यहाँ पे लिखेंगे let G, X, Y, B, D, क्या लिखेंगे? बी दी सेंट्रोइड, ये हो गया सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो आपको पता है कि ए का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वन वाई वन, बी वाला हो जाएगा एक्स टू वाई टू, सी का हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री। सो वी कैन से हियर बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है। क्या सेंट्रोइड फॉर्मूला? यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे y का निकाल लेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1? x1 देखिए यहाँ पे है माइनस 6 प्लस x2 है 5 प्लस x3 है आपका माइनस 4 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे y क्या हो जाएगा देखिए y1 है 3 प्लस y2 है 4 और y3 है यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 3। चलिए देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10, माइनस 10 में से 5 जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा अपॉन 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 अपॉन 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं सेंट्रोइड आपका हो जाएगा जी माइनस 5 अपॉन 3 एंड 4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया? फाइंड द स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप बोला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है थीटा 60 डिग्री, सो विल राइट हियर स्लोप इक्वल्स टू टैन थीटा, तो स्लोप हो जाएगा टैन थीटा, तो टैन, ओके चलिए यहीं पे लिखता हूँ, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हो जाएगा टैन 60 रूट 3, तो हो गया आपका स्लोप टेन थीटा विच इज टेन सिक्सटी रूट थ्री। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, सेकंड में क्या दिया? देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है, ए का है 2 3, बी हो गया आपका 6 1, ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन, दिस विल बी एक्स टू वाई टू, स्लोप ऑफ लाइन ए बी वी कैन से,
स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स टू माइनस सॉरी यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई टू, वन माइनस वाई वन कितना दिया है थ्री, एक्स टू कितना है सिक्स और एक्स वन कितना है टू, राइट। ये हो जाएगा देखिए माइनस टू अपॉन ये हो जाएगा फोर, कैंसिल होके हो जाएगा टू, तो माइनस वन अपॉन टू। इसे अगर हम मार्किंग करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे टू मार्क्स क्वेश्चन, सो यू कैन राइट दिस टेन थीटा हाफ मार्क्स एंड दिस वैल्यू इज हाफ मार्क्स वन मार्क्स एंड फॉर्मूला हो गया आपका हाफ मार्क्स एंड द करेक्ट आंसर यू कैन गिव हाफ मार्क्स, राइट। तो दिस वे यू कैन गिव टू मार्क्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेंट्रोइड वाले में भी आप फॉर्मूले के ऊपर मार्क्स और उसके वैल्यू के ऊपर वन एंड हाफ एक्स यू गॉट करेक्ट फ्रॉम फॉर्मूले यू कैन गिव वन एंड हाफ मार्क्स, वन मार्क्स फॉर फॉर्मूला एंड वन मार्क्स फॉर हाफ मार्क्स फॉर आंसर, ठीक है। सेंट्रोइड वाले में हमने सेकंड क्वेश्चन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था, ठीक है, वो रह गया था। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे सेंट्रोइड का ये लिखा होगा आपने, ठीक है, तो ये एक्स के लिए हाफ मार्क्स और वाई का जब लिखेंगे तो वाई के लिए हाफ मार्क्स, और जो इसकी एक्स की वैल्यू करेक्ट आएगी होगी उसके लिए हाफ मार्क्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसके लिए हाफ मार्क्स। दिस वी कैन गिव टू मार्क्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। क्या दिया यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 ए एंड बी इज गिवन, राइट। इसका मतलब हम समझने के लिए एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी, ओके, पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करने पे एक सेगमेंट रेडी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट है -1 and 7, बी इज कोऑर्डिनेट इज 4 and -3। यहाँ पे कहीं पॉइंट पी है विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n, ओके, एम इज टू एन, एम टू दिया एन यहाँ पे हो जाएगा 3:2:3 रेशियो गिवन, एंड पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका एक्स वाई, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला एक्स वन ये वाई वन हो जाएगा, दिस वन विल बी एक्स टू वाई टू, सो वी कैन से हियर, राइट, वी कैन राइट हियर पॉइंट पी एक्स वाई, लेट कर सकते लेट पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड्स से ए बी इन द रेशियो, कौन सा रेशियो यहाँ पे बोल सकते हम लोग m:n, ओके। सो हियर यू कैन राइट एक्स वन इज -1, वाई वन इज 7, एक्स टू आपका हो गया 4, वाई टू है आपका -3, m:n हो जाएगा 2:3। सो यू कैन राइट हियर बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, so you can divide here x equals to जाएगा mx2 plus nx1 divided by m plus n, ठीक है। चलिए this side will divide करते हैं board, यहाँ पे y का लिखते हैं, तो y equals to क्या हो जाएगा my2 plus ny1 divided by m plus n, ठीक है। चलिए what is value of m, m देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, right, 2, x2 क्या है आपका 4 plus n कितना है 3, x1 हो जाएगा आपका -1, 2+3, इसे सॉल्व करें हो जाएगा 4 2 8, -3 हो जाएगा 5, राइट, तो 8 - 3 हो जाएगा आपका 5/5, कैंसिल हो गया कितना हो जाएगा 1, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1। चलिए y के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे m:2 y2 आपका देखिए यहाँ पे है -3, राइट, चलिए प्लस n है 3, y1 है आपका 7, then this will be 2+3 हो जाएगा -6, right, 7 3 21, देखिए यहाँ अपॉन 5, सो 21 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5 5 5 5 3 15, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3। तो यहाँ पे जो p का कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 and 3, ठीक है, ये हमें बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब इसमें मार्किंग कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो हाफ मार्क्स फॉर बोथ फॉर्मूला, ठीक है, फिर हाफ मार्क्स फॉर दिस वन, और ऐसे भी कर सकते हैं आप, राइट, यू कैन गिव हाफ मार्क्स फॉर दिस फॉर्मूला एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस करेक्ट आंसर, राइट, हियर ऑल्सो हाफ मार्क्स फॉर दिस फॉर्मूला एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस करेक्ट आंसर, सो दिस वे यू कैन गेट 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ऑल 4 क्वेश्चंस 2 2 मार्क्स के। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट वन क्या बोला है, फाइंड एम ए पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी कोऑर्डिनेट्स आर 2-4, क्यू का 4 और 6 दिया हुआ है, आर का 3 और -1 और एस का एम और 2। सो व्हाट यू राइट हियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट वन, सो फर्स्ट यू कैन राइट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, राइट, इट इज अ गिवन। चलिए इसे बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं PQ का स्लोप फाइंड आउट करते। सो ये P 2-4, Q दिया आपको 4, 6, ठीक है। चलिए राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा, y2 - y1 upon x2 - x1। व्हाट इज अ y2, देखिए x1 y1 x2 y2, यहाँ पे चित्र लिखो x1 y1 x2 y2, your y2 is 6 minus y1 है -4, ये हो जाएगा x2 है 4 minus x2 4, x1 है 2, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 + 4 = 10, ये प्लस हो जाएगा 10 और ये जाएगा 4 - 2 = 2, तो 2 5 = 10। सो यू कैन से यस स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना मिला हमें 5, ठीक है, इसे नंबर 1 दे दो। देन यू फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन आर एस, ठीक है, आर कितना दिया था आपको, आर दिया देखिए यहाँ पे 3 - 1 और एस दिया हुआ है आपको m 2, राइट, स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 - y1 upon x2 - x1, y2 कितना है यहाँ पे x1 y1 x2 y2 y2 2 - y1 हो जाएगा -1, x2 है m और x1 हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाएगा 2 + 1 = 3 upon -3। सो यू कैन राइट हियर स्लोप ऑफ लाइन आर एस हो जाएगा आपका 3 upon m - 3, ये हो जाएगा नंबर 2। सो वी कैन से हियर सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये है गिवन, ओके, so therefore slope of line PQ equals to slope of line RS, ये दोनों क्या हो जाएगा equal, slope of line PQ कितना मिला है 5/1 बोल सकते हैं, ठीक है 5/1 and slope of line RS 3/m - 3, ठीक है, इसका अगर cross into करेंगे देखिए ऐसे हो जाएगा, तो 5m - 5 = 15, ये हो जाएगा 3 = 3। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 5m 3 ये इधर आके +15 हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m = 18, देयरफॉर m = हो जाएगा 18/5, तो भी आपकी m की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसे टू लाइन्स आर पैरेलल तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, तो पहले PQ का स्लोप निकालेंगे और RS का, यहाँ पे वेरिएबल m है तो उसकी वैल्यू एज इट इज m लिखेंगे और बाद में इक्वल करके देखिए यहाँ पे ये आया, इसे क्रॉस इनटू करके हमने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वन। सेकंड वन में क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रायसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विद A एंड B इज गिवन। तो क्वेश्चन को जरा समझते हैं, मतलब समझ लो ये सेक आपका AB है, इसे ट्रायसेक्शन मतलब थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो इसे डिवाइड करने के लिए आपको इस लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट और लेने होंगे, लेट अस पी एंड क्यू। सो वी कैन से हियर लेट पॉइंट्स पी एंड क्यू डिवाइड्स सेगमेंट AB इनटू वी कैन से थ्री इक्वल पार्ट्स वी कैन से डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, That is AP = PQ = QB। अब देखिए यहाँ पे A का coordinates is given already 2, 7, right? और B का क्या दिया यहाँ पे देखिए 4 और 8। मुझे P और Q का find out करना। अगर मैं point P को लूँगा, तो point P क्या करेगा यहाँ पे देख सकते हैं। So we can say here point P divides say AB इन द रेशियो कैसा हो जाएगा देखिए, इन द रेशियो m is to
एन राइट दैट इज वी कैन से एम इज टू एन यहाँ पे क्या हो जाएगा एम इज टू एन इक्वल्स टू ये देखिए यहाँ पे ये वन पार्ट होगा और यहाँ का ये टू पार्ट आ जाएगा राइट पी डिवाइड कर रहा है तो दिस इज वन पार्ट एंड हियर इट इज टू पार्ट इन द रेशियो एम इज टू एन और इट इज इक्वल्स टू वन इज टू टू ठीक है तो यहाँ पे चलिए लगाते बाय सेक्शन फॉर्मूला राइट तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे पी का क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा देखिए पी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे राइट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाय एम प्लस एन यहाँ पे हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन ओके चलिए इसकी वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग रखते हैं एम कितना है यहाँ पे देखिए एम है आपका वन तो वन एक्स टू क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो एक्स टू है आपका देखिए यहाँ पे फोर राइट हो जाएगा फोर प्लस एन है टू एक्स वन हो जाएगा आपका टू एम प्लस वन मतलब वन प्लस टू ये हो जाएगा आपका एक्स का है यहाँ पे देखिए वन वाई टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये वाई टू हो जाएगा आपका एट प्लस टू वाई वन है यहाँ पे आपका सेवन डिवाइड बाय वन प्लस टू चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा फोर प्लस टू टू जो फोर ये थ्री यहाँ पर जाएगा एट ये हो जाएगा फोर्टीन अपॉन थ्री राइट ये भी सॉल्व करता हूँ इसे तो फोर प्लस फोर ये हो जाएगा एट अपॉन थ्री ये हो जाएगा ट्वेंटी टू अपॉन थ्री तो ये हो गया आपका पी का कोऑर्डिनेट्स एट अपॉन थ्री एंड ट्वेंटी टू अपॉन थ्री चलिए इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू चलिए हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे अभी पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे सो वी कैन से हियर पॉइंट पी सॉरी क्यू डिवाइड्स बाय ए बी इन द रेशियो अब देख रहे हो रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्यू से करेंगे तो ये आपका टू पार्ट हो जाएगा ए टू क्यू एंड इट इज वन पार्ट राइट तो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे टू इज टू वन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे पी की जगह क्या आएगा पॉइंट क्यू ओके चलिए यहाँ पे x1 ये देखिए आपका x1 y1 x2 y2 आपका सेम रहेगा जो इसमें यूज किया हमने क्योंकि इसे कोई चेंज नहीं किया राइट तो m का खाली वैल्यू चेंज करना है यहाँ पे m हो गया आपका 2 और n हो गया यहाँ पे 1 मीन्स 2 प्लस 1 यहाँ पे भी देखिए m हो गया 2 और n हो जाएगा यहाँ पे 1 आप अप्लाई करके देखना राइट ये देखिए 2 प्लस 1 सो नाउ दिस इज गोइंग टू चेंज ये हो जाएगा आपका 2 फोर 8 प्लस 1 टू 2 अपॉन टू प्लस वन थ्री ठीक है इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे दिस अब इसका देखिए टू जो सिक्सटीन प्लस वन सेवन जो सेवन अपॉन थ्री ये देखिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा ठीक है एट प्लस टू टेन अपॉन थ्री ये हो जाएगा ट्वेल्व थर्टीन ट्वेंटी थ्री अपॉन थ्री ये हो गया आपका क्यू का कोऑर्डिनेट्स तो आपका पी का मिल P का और Q का हमें मिल गया राइट 10 अपॉन 3 इसका था और 23 अपॉन 3 ठीक है चलिए इसका जो था आप लिख देंगे इसमें मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सो फर्स्ट यू कैन गिव द हाफ मार्क्स फॉर दिस वन ये स्टेप को हाफ मार्क्स दे सकते देन फॉर P के लिए हम लोग मार्क्स दे सकते राइट तो P के लिए कैसा 1 एंड हाफ हमको डिवाइड करना है ना यहां पे तो अगर रेशियो आपने यहां पे निकाला है राइट तो हाफ मार्क्स उसे दे सकते हम लोग यहां पे और हाफ मार्क्स दिस एक्चुअली हाफ मार्क्स ये फॉर्मूले पे दे दो और हाफ मार्क्स यहाँ पे ये वैल्यू पे और लास्ट हाफ मार्क्स फॉर दिस वन ठीक है सो वन एंड हाफ यहाँ पे मिल गया सेम राइट तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते वो वाले क्वेश्चन में पॉइंट पी के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते थे ठीक है तो यहाँ पे उसमें हाफ मार्क्स नहीं देंगे क्योंकि हाफ मार्क्स यहाँ पे दिए सो टोटल कितना होना चाहिए थ्री यहाँ पे टू हो रहा है सो इन दैट केस ये हाफ मार्क्स आप उसमें देंगे इसलिए वन एंड हाफ हो गया अगर ये क्यू पी रहता सपोज पी रहता तो कैसे करते हम लोग यहाँ पे हाफ मार्क्स इसके लिए ठीक है हाफ मार्क्स फॉर दिस एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस तो वन एंड हाफ यहाँ पे नहीं देते फिर ठीक है क्योंकि आपका मार्क्स भी कितना होना चाहिए टोटल थ्री होना चाहिए इस तरह से हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे और लास्ट में फिर आप लिख सकते ठीक है अगर यहाँ पे हाफ मार्क्स नहीं दे रहे तो वहां पे भी देख सकते थोड़ा सा अल्टरेशन उसमें कर सकते हैं चेंजेस हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है So this way you can give 3 marks, okay?
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर द थ्री पॉइंट्स और इसे हमें क्या करना है, सिर्फ प्रूव करना, शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखना, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल के थ्री वर्टिसेस दिए, अब ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो कैसा होता, हमें उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सो ए बी सी, सपोज ए कोऑर्डिनेट इज गिवन 1 2, बी का दिया है 1 और 6 और सी का दिया है 1 + 2√3, 4, राइट। एंड वी नो इफ इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल सो ऑल साइड क्या होगा, इक्वल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, डिस्टेंस। हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी सी और ए सी, और उसे चेक करना है कि सबके डिस्टेंस सेम आ रहे हैं क्या, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस, सो राइट हियर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके स्टार्ट करेंगे। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज फॉर्मूला, x2 - x1² + y2 - y1² व्हाट इज इट। चलिए अगर मैं ए और बी को ले रहा हूँ, सपोज मैं करता हूँ ये x1 ये y1, तो ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2, राइट। व्हाट इज x2, वहां पे देखिए x2 है 1, राइट, और माइनस x1 भी कितना है 1, तो हो जाएगा 1 - 1, प्लस y2 कितना है 6, माइनस y1 यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो हो जाएगा 1 - 1 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 - 2 4 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हो जाएगा √16, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4, तो आपको ए बी मिल गया 4, इसे नंबर दे दें 1। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बी सी, राइट। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी, फॉर्मूला विल बी द सेम, x2 - x1² + y2 - y1² हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके वैल्यूज को रखते हैं, इसे x2 y2 लिया है तो इसे हम लोग अज्यूम करेंगे x1 y1, ठीक है। चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2, x2 यहाँ पे देखिए 1, माइनस x1 क्या दिया ये, तो ब्रैकेट में 1 + 2√3, ये ऐसा होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। x2 - x1 प्लस व्हाट इज y2 6 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा, देखिए ये इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - ये माइनस आएगा 2√3 का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये -2√3 का होल स्क्वायर, तो ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 4√3 का 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए -2√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस का प्लस हो जाएगा √3 का 3, तो 4 × 3 = 12, तो हो जाएगा आपका 12 और इधर जाएगा देखिए 2, राइट। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा आपका 12 + 4 = 16, तो बी सी कितना हो जाएगा √4, ये हो गया आपका सेकेंड। देखिए ए बी 4 मिला, बी सी 4 मिला, मतलब ए सी भी फिर हमें लगता है 4 मिलेगा, तो ही वही इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। चलिए ए सी का फाइंड आउट करते, ए सी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम फॉर्मूला, चलो एक्स वन वाई वन था, इसे करते हैं x2 y2, चलिए इसे x2 y2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला आप लिखेंगे व्हाट इज x2, x2 देखिए यहाँ पे 1 - x1, x2 - x1 अगेन 1 + 2√3 द होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए प्लस y2 - y1 मतलब 2 - 4 का होल स्क्वायर, ये देखिए इसे ओपन करेंगे, जब ये ओपन करेंगे देखिए ये हो जाएगा -1 - 2√3 का होल स्क्वायर, जैसा इसमें हुआ था, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आया था आपको यहाँ पे 12, तो ये भी वैसे आएगा 12 प्लस ये आएगा -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस, ये भी कितना हो जाएगा आपका 16, ए सी हो जाएगा आपका 16, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर √16 था तो 4 हो गया, ये भी मिल गया आपको 4 थर्ड। सो व्हाट यू आर गेटिंग, सो वी कैन से ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी is an equilateral triangle, ये हो गया आपका equilateral triangle। फिर आप question लिखेंगे therefore point A, B, C are the vertices of equilateral triangle, जैसा question में बोला वैसे हमें mention करना होगा।
चलिए यहाँ पे भी देखिए 3 मार्क्स के लिए था राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स तो देने ही है। चलिए तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला लिखते हैं, तो हाफ मार्क्स दे देंगे, फिर यह हाफ मार्क्स, ये 1 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद फॉर्मूले पे नहीं देंगे, फिर इसकी वैल्यूज पे हम लोग हाफ मार्क्स देंगे। फिर हाफ मार्क्स हो गया, फिर इसकी वैल्यूज को यहाँ पे हाफ मार्क्स देंगे, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 2 मार्क्स। और लास्ट में यहाँ पे ये लिखा इक्वल, फिर लास्ट का जो स्टेटमेंट लिखेंगे ना, ये इसके लिए हाफ मार्क्स हो जाएगा। सो वी गॉट 3 मार्क्स। दिस वे वी कैन फाइनलाइज करते 3 मार्क्स इससे आपको मिल जाएगा। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन आपका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या करना है हमें, देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन ए बी सी। यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है यूजिंग स्लोप कंसेप्ट, मतलब हम लोग को स्लोप का फॉर्मूला लिखा यूज करना है। एक्चुअली से डिस्टेंस फॉर्मूले में भी है और स्लोप फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है तो स्लोप फॉर्मूले से, मतलब स्लोप का कंसेप्ट यूज करना है हमें। तो क्या करेंगे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करेंगे, देन स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इवन वी कैन फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन ए सी। तीनों का अगर स्लोप सेम आया तो भी कोलिनियर है, बट हम 3 का नहीं फाइंड आउट करेंगे, एनी 2 का फाइंड आउट करो, ए बी देन बी सी और ए सी, कोई भी 2 में ही हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट। चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे हमारा अज्यूम कर लेते हैं ये एक्स वन, ये वाई वन, ये हो जाएगा आपका एक्स टू और ये y2। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, y2 है आपका माइनस फाइव, माइनस y1 है माइनस थ्री, x2 आपका है 2 माइनस x1 हो जाएगा 1, ठीक है। ये देखिए प्लस हो जाएगा, तो माइनस फाइव प्लस थ्री हो जाएगा माइनस टू, ये प्लस हो गया तो माइनस फाइव प्लस थ्री, तो आंसर आएगा आपका माइनस टू, टू माइनस वन वन, तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन वन, दैट इज माइनस टू। सो वी कैन राइट हियर स्लो ऑफ लाइन ए बी हो गया आपका माइनस टू, ये नंबर 1। चलिए फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी। स्लोप ऑफ लाइन बी सी का फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। चलिए तो बी का ऑलरेडी एक्स टू वाई टू लिए, इसे हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे एक्स वन वाई वन। अगर आप इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू लेंगे, आंसर विल बी द सेम, उसमें डरना नहीं है, आपको सेम आंसर आएगा। सो व्हाट इज अ y2, y2 देखिए यहाँ पे माइनस फाइव, माइनस y1 कितना दिया है 7, x2 कितना है 2, माइनस x1 कितना दिया है माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 12, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन BC हो जाएगा माइनस 2, देखिए दोनों सेम मिला। ओके सो वी कैन से स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, क्या निकाला हमें, लाइन बी सी, दैट इज राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से पॉइंट्स ए बी सी आर क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो मार्किंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 मार्क्स हाफ मार्क्स फॉर दिस, हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। अब फॉर्मूला सेम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले पे नहीं, वैल्यू पे देंगे राइट। ये हो गया आपका ये 2 मार्क्स, देन हाफ मार्क्स फॉर दिस, ठीक है, एंड हाफ मार्क्स फॉर राइटिंग दिस वन, तो दिस वे यू कैन गिव 3 मार्क्स। चलिए आपने टेस्ट भी दिए होंगे और ये हो गया आपका सोल्यूशन भी, इसके थ्रू आप पेपर भी चेक कर लीजिए, और आपको 20 मार्क्स का पेपर था, 20 में से कितना मिलता आउट ऑफ 4 आप, ठीक है, चेक कर लीजिए। ओके चलिए बेस्ट ऑफ लक।